ए वो देख वो देख वो देख वो देख। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये चीजें देखता हूँ। क्या माहिला मन को इतना संतोष होता है। अच्छा इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं ये चीजें देखता हूँ। उनके आशीर्वाद। दोस्तों महाराष्ट्र के सोलापुर में भाषण देते प्रधानमंत्री मोदी का रोने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया सुर्खियों में है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री योजना आवास के लाभार्थियों पर कुछ बोल रहे थे जिस पर प्रधानमंत्री मोदी बोलते बोलते रोने लगे। उन्होंने कहा काश मुझे भी बचपन में ऐसे घरों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी की ऐसे ही रोने की कई सारी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती ही रहती है। आप दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के इस रोने वाले वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा खरबों रुपए की जहाज में बैठकर करोड़ों रुपए की सुरक्षा काफिले के साथ करोड़ों रुपए रैली में खर्च करके जनाब बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। विक्रम लिखते हैं बड़े दिनों के बाद रोने धोने का नाटक हुआ है। बाबा नाम के उज्जल लिखते हैं दुग्गल साहेब आज फिर से रोने लग गए। मनीष कुमार लिखते हैं बताओ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो व्यक्ति सीएम हाउस से लेकर पीएम आवास तक जहां हजारों कमरे होते हैं वहां अपने भाई बहन माँ के लिए कमरे खाली नहीं रख पाया वो वोट के लिए रो दिया। गजब है यार इसका तो कोई तोड़ नहीं है बाबा। नवीन गुज्जर लिखते हैं नाटक तो पूरे आते हैं साहब को चुनाव तक खुद रोएंगे और गलती से जीत गए तो फिर 5 साल पूरे देश को रुलाएंगे। बहुत दिनों के बाद ये नाटक शुरू हुआ है। चुनाव नजदीक आते ही ड्रामा स्टार्ट। देश के लिए कांग्रेस के दो दो प्रधानमंत्री अपनी जान दे दिया लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी आज तक देश के लिए जनता के सामने कभी वोट के लिए नहीं रोए।